हरे मटर की चटपटी नमकीन कभी ना कभी आपने जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली ये हरे मटर की नमकीन असलियत में हरे मटर से बनाई ही नहीं जाती है, बल्कि इसको तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में, और इसे बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेहनत भरा। तो अगर आपने कभी हरे मटर की ये नमकीन बनते हुए नहीं देखी और इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस, इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले वटाना यानी कि जो सूखा हुआ मटर होता है वो लिया जाता है, और ये सूखा हुआ मटर डाला जाता है मशीन में भूनने के लिए। तो बहुत सारी क्वांटिटी में सूखा हुआ मटर लिया जाएगा और इस मशीन में डाल दिया जाएगा। यहाँ से आपको ये मशीन छोटी लग रही होगी, लेकिन इधर से आप देखिए कितनी बड़ी ये मशीन है जिसमें अपना ये सूखा मटर भुना जाएगा। तो ऊपर से सूखा हुआ मटर इसमें डाला गया है, जहाँ से ये नीचे इधर आएगा और यहाँ से ये जाएगा इस बड़े वाली मशीन में, जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर वाले गर्म रेत में घूम घूम कर ये मटर के दाने इसमें भुन जाएंगे, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इस बड़े वाली मशीन में से यहाँ से निकल कर फिर आएंगे अगली मशीन में, जहाँ पर फिर से ये गोल गोल मशीन में इसमें घूमते रहेंगे। घूमते घूमते इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा रेत लगा है वो सारा निकल जाएगा और अपने साफ भुने हुए मटर के दाने आगे आ जाएंगे, जहां पर इन्हें कलेक्ट कर लिया जाएगा प्लास्टिक के इन टब्स के अंदर। फिर इन टब से इन्हें लेकर डाला जाएगा प्लास्टिक के इस मैट पर, जहां पर इन भुने हुए मटर के दानों के अंदर नमक डाला जाएगा, और उसके बाद इस मैट को हिला हिला के इन दानों के अंदर इस नमक को अच्छे से मिलाया जाएगा। काफी देर तक ये प्रोसेस चलेगा। जब अच्छे से नमक मिल जाएगा उसके बाद ली जाएगी इनकी स्पेशल चटनी, जिसके अंदर मेनली ढेर सारी हरी मिर्च होती है, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी होता है और फूड कलर मिला होता है, ये ली जाएगी। इसमें इस खूबसूरत से मग से पानी डाला जाएगा, पानी डालने के बाद मिला के इसे पतला कर लिया जाएगा, और उसके बाद देखिए मग भर के चटनी ली गई है, और इस चटनी को अब डाला जा रहा है अपने भुने हुए इन मटर के दानों के ऊपर, जिनमें नमक पहले से मिलाया जा चुका है। चटनी डालने के बाद मैट के चारों कोने पकड़ के इसे हिलाया जा रहा है, जिससे इन दानों के अंदर ये चटनी अपनी मिल सके, और लगातार ये मग भर भर के चटनी इन दानों के अंदर डाली जा रही है। तो चटनी डाली जाती रहेगी और मैट को हिलाया जाता रहेगा, जिससे कि ये चटनी इन दानों में अपनी मिलती रहेगी, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे चटनी इन दानों के अंदर मिलती जा रही है, इन मटर के दानों का कलर ग्रीन होता जा रहा है। और ये चटनी को इन मटर के दानों के अंदर मिलाने का जो कार्यक्रम है ये लगभग 20 मिनट चलेगा। तो 20 मिनट तक बिना रुके लगातार इस मैट को ऐसे ही हिलाया जाता रहेगा, ये दाने चटनी में मिक्स होते रहेंगे, जिससे कि हर एक दाने पर यूनिफॉर्मली अपनी चटनी लग जाएगी। खैर, ये चटनी तो इन दानों पर लग जाएगी, लेकिन इसे लगाने के लिए जो मैट को हिला रहे हैं लोग, इतनी देर तक मैट को हिलाने से इनकी हालत टाइट हो जाएगी, जो कि आपको वीडियो में नजर ही आ रहा होगा। खैर, फाइनली इसे रोका जाएगा और ये जो चटनी लगे हुए दाने अपने तैयार हुए हैं, अब इन्हें फैलाया जाएगा इसी मैट के ऊपर। फैलाया इसलिए जाता है जिससे कि अच्छे से ठंडे हो सके, और जैसे जैसे इन्हें फैलाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि जितने भी मटर के दाने हैं हर एक दाने के ऊपर चटनी अपनी अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब ये दिखने में बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसा अपना हरा मटर होता है, और क्योंकि जिस चटनी से ये हरे हुए हैं वो चटनी मेनली हरी मिर्च की है, तो ये सारे ही दाने काफी तीखे भी हो चुके हैं। अब इन तैयार हुए दानों को यहाँ से लिया जाएगा और इकट्ठा करके भेज दिया जाएगा शॉप पर सेल करने के लिए। तो गाइस, हम 10-5 रुपए में खा रहे होते हैं खरीद के, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, इतनी ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। आपको सूरत में आना है तो इस पते पर आ सकते हैं आप, और अगर आपको बाहर कहीं मंगाना है तो नंबर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर कॉल करके आप भैया से मंगा सकते हैं।